तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक मूवी की जिसका नाम है बथों सुबेरो घाम पार्ट टू। इस मूवी के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ जसवंत सिंह राणा जी हैं, जिन्होंने हाल में ये मूवी देखी है। तो राणा जी, आपको ये मूवी कैसी लगी? यह मूवी उर्मी नेगी जी ने बनाई है, इसके निर्माता निर्देशक भी वो हैं और मेन कलाकार के रूप में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पूरे जो है फिल्म में वही दिखती हैं जो उन्होंने रोल किया है, बहुत ही अच्छा रोल किया हुआ है। बहुत ही अच्छा उन्होंने अपने को जो है ना एक कलाकार के रूप में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उत्तराखंड की जो समस्या उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से हम जो प्रदेश में रहते हैं लोग उनको दिखाने के दर्शाने की कोशिश की है कि भाई ये कितनी पलायन से जो है ना कितना पीड़ा होती है हमारे बुजुर्गों को, जो हमारे गाँव में जो है अकेले रहते हैं, कितनी वहाँ पर समस्याएँ होती हैं जब बुजुर्गों के साथ में कोई नहीं रहता है। और एक वक्त भी ऐसा आता है कि कोई उनको खाने तक के पानी देने तक के लिए नहीं रहता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने दर्शाया हुआ है इस पटकथा के अनुसार और इसके अंदर। अगर इस मूवी के ड्यूरेशन की अगर बात करूं तो ये मूवी 4 घंटे की मूवी है जी। और इस मूवी में जो लीड एक्ट्रेस के रूप में है वो उर्मी नेगी है, जिन्होंने निर्माता निर्देशक और खुद उन्होंने एक्टिंग भी इस मूवी में की है। मेरा मानना यही है, अगर उर्मी नेगी जी के साथ साथ अगर थोड़ा और किरदारों को भी थोड़ा उसमें बढ़ावा दिया जाता, उनकी उनकी भी जो है ना थोड़ा सा ज्यादा रोल दिया जाता है तो शायद पिक्चर को थोड़ा और उसमें मोटिवेट कर सकते थे, लोगों को संदेश हम दे सकते थे। लोगों को संदेश देने की भरपूर कोशिश की गई है लेकिन उर्मी नेगी जी का रोल ही उसमें खाली दिखता है, बाकी लोग नहीं दिखते हैं। एज ए कलाकार, एज ए आर्टिस्ट उन्होंने जो अपना परफॉर्म किया है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही जो है उसको तारीफ़े काबिल कह सकते हैं। एक हिंदी आर्टिस्ट के इसे मैच्योर्ड आर्टिस्ट की तरह उन्होंने काम किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके साथ ही साथ कुछ और कलाकारों की भी भूमिका उसमें थोड़ा महत्व उनका भी होना चाहिए था, जो थोड़ा कम दिखता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इस सुबेरो घाम पार्ट टू की बात करें और उसे पार्ट वन से कंपेयर करें तो आपको उन दोनों में से कौन सी मूवी बेटर लगी है? पार्ट वन की लोकेशन थोड़ा ज्यादा वो थी, थोड़ा उसमें लोगों को एंटरटेनमेंट का ज्यादा महत्व था, तो मेरे हिसाब से पार्ट वन ज्यादा बेटर थी। और पार्ट टू को भी प्रयास किया गया अच्छे उसमें, लेकिन जो पार्ट वन की जो कहानी और जो लोकेशन और थोड़ा सा वो था वो ज्यादा इससे बेटर था। जैसे कि अन्य भाषाओं का भी हिंदी में डब किया जाता है तो क्या आपको लगता है कि गढ़वाली मूवीज का भी हिंदी में डब होना चाहिए? इसके लिए सर अभी बहुत समय है क्योंकि हमारी गढ़वाली कुमाऊनी फिल्मों के जो बजट होते हैं बहुत कम होते हैं और इसकी संख्या भी अभी लोगों में जो है ना बहुत कम है। तो फाइनेंशियली फाइनेंसर ये देखता है, जो निर्माता होता है, कि उसकी जो फिल्म होती है, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि उनका जो बजट खर्चे का होता है वो भी अगर बराबर हो गया देखने के बाद उनका नुकसान नहीं हुआ तो वही हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ये मानना है कि अगर प्रदेश में कोई अपनी उत्तराखंड की कोई गढ़वाली कुमाऊनी फिल्म लगती है तो हमें जरूर देखना चाहिए, हमें अपने बच्चों को जरूर दिखानी चाहिए क्योंकि वो हमारी संस्कृति है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं ये फिल्म कैसी है, हमें एक संदेश जाना चाहिए, हम अपने जो संस्कृति को अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ हर उत्तराखंडी भाई बहनों को जो है ये फिल्म कोई भी गढ़वाली कुमाऊनी फिल्म देखनी चाहिए जब वो प्रदेश में लगती है। तो बिल्कुल राणा जी, आपने बहुत सही बात की कि हर उत्तराखंडी का ये दायित्व बनता है कि वो अपने कल्चर को अपनी संस्कृति को सपोर्ट करे, उसे आगे और बढ़ावा दे और अपने बच्चों तक उनकी शिक्षा दे। हम ये देखते हैं कि हमारी जो गढ़वाली और कुमाऊनी जो लोग हैं कम अपने जो बाहर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो अपनी भाषाओं का बहुत कम उपयोग करते हैं, ये बहुत ही प्रश्नवाचक चिन्ह है हम सबके लिए। आपने देखा होगा और भी जो है कास्ट के लोग हैं, गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, पंजाबी हैं, साउथ वाले हैं, यहाँ महाराष्ट्रीन भाई हैं, हर लोग अपनी भाषा में अपने लोगों से बात करना ज़्यादा उचित और ज़्यादा खुश और ज़्यादा अच्छा उन्हें लगता है। बट हमारे जो उत्तराखंडी भाई लोग हैं हम लोग थोड़ा सा जब कुछ बड़ी उसमें चले जाते हैं तो हमें अपने बच्चों को अपनी गढ़वाली भाषा, अपनी कुमाऊनी भाषा बताने में उन्हें ऐसा
मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फील करते हैं, और जो कि हम कहीं देखते हैं, यहाँ तक कि देहरादून तक भी देखते हैं कि छोटे बच्चे अपनी भाषा को, जो अपनी कल्चर को, अपनी मूल जो हमारी मातृभाषा है उसको भूल जाते हैं। तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, हमारे बड़ों को, हमारे अभिभावकों को उस पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने बच्चों को कामयाब बनाइए, आप उसको अंग्रेजी बहुत अच्छी सिखाइए, उसको हिंदी बहुत अच्छी सिखाइए, लेकिन अपनी जो गढ़वाली और कुमाऊं भाषा है उसका भी उसे जरूर जो है उसे सिखाने की कोशिश करें, प्रयास करें, जो कि हम घर में अपने बच्चों के साथ अपनी भाषा में उसका सदुपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी, हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब जाते जाते इस मूवी का कोई एक डायलॉग आप गढ़वाली में आप एक बार बोल दीजिए अगर आपको याद होगा, आपके कोई भी आपकी चॉइस के हिसाब से कोई भी एक डायलॉग आप प्लीज एक बार बोल के आप बता दीजिए। उर्मी नेगी जी बहुत ही करुणा उसमें अंत में बोलते हैं कि मेरा बीजू नहीं आया, सब लोग आ गए, मेरा बीजू नहीं आया। वो इतनी वो हो जाती हैं, अपने बच्चे से भावुक हो जाती हैं और उन्हें कुछ नहीं दिखता है जब वो अकेले रहती हैं। बीजू सामने रहने पे भी वो बीजू को जो है नहीं पहचान पाती हैं। उस मर्मिक आवाज़ पे जब वो अपने बीजू को पुकारती है अंत में, बहुत मर्मिक लगता है। तो काश ऐसा औरों के साथ ना हो, ये हम सब के लिए विशेष ध्यान देना है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बिल्कुल, और धन्यवाद आपका राणा जी कि आपने इस मूवी के बारे में काफ़ी अच्छी हमें चीज़ें बताई हैं, और किसी भी उत्तराखंडी को इस मूवी को क्यों देखना चाहिए आपने उसके बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो दोस्तों, ये मूवी उत्तराखंडी लैंग्वेज में है, बट अगर आप इस मूवी को हिंदी में नहीं देख सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उत्तराखंड के इस कॉज को आप आगे बढ़ावा ना दें। आप भी उत्तराखंड के लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे उत्तराखंड के जितने भी भाई हैं वो हमारे किसी एक कैंपेन को जैसे कि हम अगर अब कोई कैंपेन चलाएं जिसमें हम पलायन को रोकने के लिए आगे चल के बढ़ावा दें, तो उस चीज में भी हमारे सारे उत्तराखंडी मिलके काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मेरा चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू।